साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी भी पीडीएफ में अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर में प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, आप किस प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टीचर हेल्पलाइन को और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके जो डिजिटल साइन है उसमें अगर आपके प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ आ रहा है तो आप किस प्रकार से इसको वैलिडेट करेंगे, इसके लिए आपकी जो फाइल है उसको आपको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, राइट साइड में आपको माउस में क्लिक करना है। उसके बाद ओपन विद का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको एडोब एक्रोबैट डीसी इसमें आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपकी फाइल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आप आपकी फाइल पर जब कर्सर लेके आएंगे तो कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस इसमें दिखाई देगा, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको लिखा आ रहा है सिग्नेचर प्रॉपर्टी, जिस पर आप क्लिक करें वापस से आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आपको शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करना है। अब आपको ट्रस्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, एड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स इस पर क्लिक करना है, ओके करें। ओके करने के बाद सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इस पर आपको टिक करना है, सभी जो आपका आइकन है इनमें टिक करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, जैसे आप नीचे लेके आएंगे अब आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद वापस से अब आपको इस फाइल को नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके वापस से आप ओके करें। ओके करने के बाद आपको अब वैलिडेट सिग्नेचर जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको इस फाइल को क्लोज कर देना है। साथियों अब आप देख सकते हैं आपका प्रश्नवाचक चिन्ह गायब हो गया है और आपके राइट टिक आपके यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। इससे तात्पर्य है कि आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो चुका है। आपकी किसी भी जो पीडीएफ है अगर उसमें इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह बना आता है तो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से इस सिग्नेचर को वैलिडेट कर सकते हैं। साथियों चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाले बटन में ऑल बटन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।